फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट को हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका मन एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। भटके भी क्यों ना, आज हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के से घिरे हुए हैं। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है और हमारा मन उसको देखने में लग जाता है। इस तरह कॉन्सेंट्रेशन की बैंड बज जाता है। अगर जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उससे खास नफरत है तो फिर क्या ही कहना। पढ़ने का मतलब सिर्फ बुक में लिखी लाइन को पढ़ना नहीं है, इसके साथ साथ विचारों को समझना और उसमें शामिल ज्ञान को प्राप्त करना भी जरूरी है, जो बिना एकाग्रता से नहीं हो सकता। इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं और एक बोनस टिप्स के साथ, जिसको अपनाने के बाद बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका ध्यान नहीं भटका सकती। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, पढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें। पढ़ाई करने के लिए एक उपयुक्त और शांत जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। एक अध्ययन के मुताबिक पढ़ाई करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण आपकी एकाग्रता को बनाए रखता है और आपके सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। हर किसी के लिए ये जगह अलग हो सकती है। जैसे किसी को अपनी छत पर पढ़ने के में मज़ा आता है तो किसी को खाली कमरे में या लाइब्रेरी में पढ़ना आरामदायक लगता है। नंबर 2, ध्यान भटकाने वाले चीज़ों से बचें। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सभी के कारण हम पढ़ाई में कम और इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। मैं भी समझता हूँ कि हम आजकल पढ़ने के लिए ऑनलाइन मटेरियल का उपयोग करते हैं, इसलिए फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, मगर काम हो जाने के बाद इंटरनेट को बंद करके वापस अपना ध्यान पढ़ाई में तो लगा ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। जब आपको नोटिफिकेशन दिखेगी नहीं तो आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं। नंबर 3, पढ़ाई को मनोरंजक बनाएं। दोस्तों, बहुत कम लोग ही इस बात पर ध्यान देते हैं, मगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपको रोज बेस्वाद खाना खाने दिया जाए तो कोई आपको उसे खाने के लिए मोटिवेट करता रहे तो क्या आप उसी तरह का खाना लगातार खा पाओगे? नहीं। हमारी पढ़ाई भी उसी तरह है। आप जो किताबें पढ़ते हो वो वर्ड में होने के कारण मज़ा ही नहीं आता, इसीलिए हमारा दिमाग में पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। इसलिए अपने नोट्स में माइंड मैप, चार्ट फ्लो, स्केच नोट्स को शामिल करें। इस तरह जब आपकी पढ़ाई में मज़ा आना शुरू होगा तो एकाग्रता भी नहीं भटकेगी। दोस्तों, अंतिम में एक बोनस टिप्स। दोस्तों, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने चाहते हैं तो आपको रोज़ 10 से 15 मिनट के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। डरिए मत, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस इतना ही करना होगा। आपको जो भी काम करना है, वो पसंद वाला काम आपका, उसे 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान लगाना है। जैसे आपको गाने सुनना पसंद है तो आप उसे सुनिए और तब किसी और चीज़ को कल्पना मत कीजिए। इस तरह जब आप रोज़ अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे तो जब भी वो भटकेगा आपसे आसानी से नियंत्रण कर पाओगे उसे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एकाग्रता बढ़ाने का ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो को पसंद आने तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।